ये बहुत जल्द, ये जिन विद्वानों को आप देख रहे हैं ये अपने आप में लड़कियाँ हैं और जो इनका उद्भव है बड़ी छोटी जगह से हुआ। जैसे गति की आती है तो वो पहाड़ से गंगोत्री से पर छोटा सा उसका उद्भव होता है, फिर वो पहाड़ों को चीरती हुई, रस्तों को दागती हुई, पत्थरों से जूझती हुई, रेगिस्तान और मरुस्थल को हरियाली प्रदान करती हुई समुद्र की यात्रा कर सकती है। ये सब जितने विद्वान हैं ये जो उसके वो समुद्र है, जो समुद्र की एक झलक हमको यहाँ मिलती है, तो इन सबकी प्रयासों को मैं प्रणाम करता हूँ। इन सबके जो प्रयास हैं बहुत अथक प्रयास है और हर किसी के प्रयास को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आप जो यहाँ बैठे हैं सारे जिज्ञासु हैं और आप में से हर आदमी यहाँ बैठने के योग्य है और एक भी बैठेगा भी, ऐसी कोई खास बात इन सब में नहीं है, हम सब में नहीं है। हम भी कभी वहाँ बैठते थे, वहाँ से ही यहाँ की यात्रा है। ऐसी ही आप यात्रा आप लोगों की होने वाली है, लेकिन वो यात्रा कैसे होती है ये समझना पड़ेगा। वो यात्रा तब हो सकती है जब आप कितने चैतन्य हैं, कितने अवेयर हों, कितने फोकस्ड हैं, क्या चाहते हैं, क्या आप अंतरिक्ष से चाहते हैं, आपका संबंध अंतरिक्ष से क्या है, ज्योतिष क्या है। ज्योतिष को जो हम समझते हैं, एक ज्योतिष वो है हम समझते हैं ज्योतिष उससे हमारा धंधा चले, रोजगारी चले, हम आपका भविष्य करें, आप मेरा भविष्य करें। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे भविष्य में आप में सब में किसी को रुचि नहीं है, मेरे दुर्भाग्य में हो सकती है, मेरे भाग्य में नहीं है। ऐसे ही हमें अपने पड़ोसी के भाग्य में कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो ज्योतिष को हमने कुछ छोटा कर दिया, ज्योतिष में छोटा हो गया। हालांकि ज्योतिष को दो भाग में बांटते हैं, गणित में, संगीता में, फलित में और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्योतिष का जो व्यापक रूप था उसकी हम बात नहीं कर रहे। जब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे तब तक ज्योतिष को मान्यता दुनिया में नहीं मिलेगी, इसलिए ज्योतिष को मान्यता नहीं मिलती। आप व्यक्तिगत बात करें, हम सेमिनार करें, हम करते ही रहते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, हम आपस में तालियाँ बजाते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट, स्क्रैचिंग माई बैक, हम स्क्रैचिंग योर बैक, लेकिन हमने ज्योतिष का उत्थान नहीं किया। ज्योतिष का उत्थान कैसे हो इसको समझने के लिए हमको ज्योतिष का जो व्यापक रूप है, जिससे इस बात को ऋषि समझे थे, इसीलिए उन्होंने ज्योतिष को इतना महत्व दिया, उसको सार्वजनिक बना दिया। व्यक्तिगत नहीं था, ज्योतिष व्यक्तिगत है ही नहीं, एक व्यक्तिगत है मेरे भाग्य में, बोला किसी को रुचि नहीं है, आपके में भी नहीं है, याद रखना, आपके रिश्तेदारों को भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा में बहुत गहरे में जाओगे तो बड़े खुश नहीं होंगे कि अरे आपका अच्छा है, बुरा हो गया तो अच्छा है, अच्छा हो गया तो हो सकता है। लेकिन जब ज्योतिष सार्वजनिक बात करता है, व्यापक बात करता है, पूरे ब्रह्मांड की बात करता है, तो हर आदमी उस बात को सुनता है। तो उस तरह के ज्योतिष की बात करते हैं, तो एक जो व्यापक ज्योतिष है उसमें हमको क्या करना चाहिए। वराहमिहिर कहते थे कि एक ज्योतिषी को कम से कम 6 विषयों में पारंगत होना चाहिए। वैसे ही विषय जो ज्योतिष के टक्कर के हैं, क्या ऐसा है, विचार करने वाली बात है। और डॉक्टर रमन, वीवी रमन बोलते थे, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, जितनी भी साइंसेज हैं उस सब की माँ है ज्योतिष। तो क्या हम उन सबको जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उससे आप समझने की बात करें, क्या हमारा संबंध क्या है दुनिया से, ग्रह नक्षत्रों से बात नहीं होगा, क्या हम आसपास की चीजों से संबंध हमारा है। हम बात करते हैं मक्खी की बात, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई से आपका क्या संबंध है। हाउस फ्लाई से आपका संबंध ये है कि खाना खराब कर देती है, बीमारी होती है, कोई बीमारी हो सकती है। उसका संबंध आपसे है कि आप एक स्थूल बॉडी है, वो आप पे बैठ सकती है, जैसे पत्ते में बैठी है या किसी और जगह बैठी है, दीवार में बैठी है, ऐसे ही उसके लिए आपकी बॉडी है और वो आपको ऐसे परसीव नहीं करती जैसे आप उसको परसीव करते हैं। आप जिस आँख से हम देखते हैं उससे मक्खी की आँख अलग है, मक्खी की आँख है कॉन्क्लेव, उसका तो चित्र हमारा नहीं बनता, वो तो हमारे पास रेस्ट करने आती, रेस्टिंग बॉडी है हम। हाँ, साथ में लड्डू मिल जाए, खाना मिल जाए तो अलग स्थिति है। ऐसे ही जो मच्छर है वो आपको नहीं जानता, आप मच्छर को अलग तरह से जानते हैं,
मच्छर आपको नहीं जानता, मच्छर को आपके लिए आप उसके लिए उसके जो वायरस है उसके लिए आप बैक्टीरिया है, ऐसा उसका आप संबंध है। तो आपको है कि काटेगा, आपका खून चूसेगा, आपकी बात अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, जो एक शेर है वो आपको नहीं जानता, आपकी आंख को जानता है। जिन लोगों ने शेर का सामना किया जंगल में वो बोलते हैं कि अगर आप अकेले हो शेर सामने आ जाए और आप शेर के साथ कितनी देर तक आंख मिला सकते हैं उससे शेर आपको जानता है। ऐसे ही घोड़ा आपको आपकी घुड़सवार को जानता है, वैसे भी जानता है। ऐसे ही हाथी आपकी इंटेलिजेंस से आपका संबंध करता है। हमारा संबंध अलग है दुनिया से, उनका संबंध हमसे कैसा है ये बातें अगर हम जानते हैं तब आगे जानते हैं। और सांप जो है वो आपकी आत्मा को जानता है, इसलिए हम सांप से भाग जाते हैं, आत्मा को जानते हैं, इसलिए भगवान शिव के गले में होता है। तो ये पूरा नेचर इस तरह से नेचर है। अब हम बात करें, हमारे पास में ग्रह की दुनिया दो मूल ग्रह हैं जिनको हम ल्यूनरीज बोलते हैं, या चंद्रमा और सूर्य। हमारे मूल ग्रह ये हैं। आपको लगेगा कि आप पृथ्वी बैठे हुए हैं, लेकिन आप पृथ्वी में नहीं बैठे हुए, आप अंतरिक्ष में हैं। हम सब अंतरिक्ष के यात्री हैं और पृथ्वी में एक सेलेस्टियल बॉडी है, ग्रह है। तो पृथ्वी ऐसा ही ग्रह है जैसे अलग ग्रह है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि चंद्रमा पर चली जाएंगी, ऊंचाई चली जाएंगी, अगर मान लीजिए आधी आबादी चंद्रमा पहुंच गई तो आपको पृथ्वी के ग्रह का देखना पड़ेगा रिजल्ट क्या होता है, पृथ्वी के मूवमेंट क्या हो रहे हैं, उससे वहाँ के लोगों का भाग्य तय होगा, चंद्रमा से भाग्य तय नहीं होगा। तो पूरा ज्योतिष का ये व्यापक रूप है, वहाँ जो ज्योतिष बदलने वाला है। और अगर इस तरह से लोग और प्लैनेट्स पे गए तो आपका जो प्लैनेट है उसका अर्थ क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसको आपको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की या सूर्य की बात करते हैं। दो ल्यूमिनरीज हैं, दो प्रकाश के वो हैं, पिंडे हैं। इससे ना केवल हमारी दुनिया चलती है बल्कि हमारा प्रजनन चलता है। जो स्त्रियों के जो मेंसेस है, मासिक धर्म है, उसका संबंध चंद्रमा से। आप चंद्रमा को हटा दीजिए तो मासिक धर्म होना बंद हो जाएगा, फिर हमको बच्चे अलग तरह से पैदा करने पड़ेंगे। ज्योतिष का विषय है और ऐसा विचार चल रहा है कि आज से 32,000 साल के बाद चंद्रमा काफी दूर चला जाएगा तो संभवतः स्त्रियों को मेंसेस नहीं होगा। ये ज्योतिष के विषय है, क्या हमारा इस पर विचार जाता है। और हम ज्योतिष को कैसे जानते हैं, चंद्रमा से कैसे जानते हैं। चंद्रमा जब पूर्णिमा होती है, अंग्रेजों के आने से पहले एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर संडे मंडे हॉलीडे नहीं होते, हमारे यहाँ हॉलीडे होते थे अलग तरह के। पूर्णिमा के दिन 3 दिन के हॉलीडेज होते थे और जब अमावस्या होती थी तो 2 दिन के हॉलीडेज होते थे, क्योंकि चंद्रमा जब पूर्णिमा को है तो आपकी जो एनर्जी है वो अलग तरह की एनर्जी है। अगर मान लीजिए आप शांत प्रकृति के हैं तो आप शांत हो जाएंगे, अगर आप क्रूर प्रकृति के हैं तो क्रूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं लूनाटिक हो जाएंगे जैसा लोगों ने बोल दिया कि आप लूनाटिक हो जाएगा। अगर वो शांत है तो शांत हो जाएगा, मेडिटेटिव है तो मेडिटेटिव हो जाएगा, चैटरबॉक्स है तो चैटरबॉक्स हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि वो क्या है। तो ये इसी तरह से जो नेविगेशन में लोग जाते थे, समुद्र में जाते थे, तो उनको मालूम होता था कि चंद्रमा का मूवमेंट क्या है और पृथ्वी का मूवमेंट क्या है। पृथ्वी और चंद्रमा की आज एक टाइड आ रहा है समुद्र में, वो आ रहा है 9:30 बजे, तो अगले दिन 50 मिनट पहले आएगा, 10:20 पे आएगा। तो ये उनको मालूम था कि आज अगर मैं नेविगेट कर रहा हूँ तो कल मुझे कब करना चाहिए, परसों मुझे कब करना चाहिए। पक्षी हमारे समझते हैं, पक्षी हमारे यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ पूरे विश्व का भ्रमण करते रहते हैं, उनको मालूम है। और हमारा संबंध खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ मुद्दा ये उठा रहा हूँ, हम व्यक्तिगत बात करें तो करें, क्या हम विश्व के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, क्या हमारा ज्योतिष एक नए आयाम को प्रदान कर रहा है, किस तरह के ज्योतिष को हमको जानना चाहिए। लेकिन हम जो और बेहतर बात करें, जैसे हमारे जितने भी मंथ हैं, मंथ की हम बात करते हैं, तो हमारे जो मंथ का संबंध होता है नक्षत्र से संबंध होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको मालूम पड़ेगा, कभी विचार नहीं जाता हमारा। मान लीजिए हमारे क्षेत्र मास था इस बार 19, क्षेत्र मास 19 अप्रैल को था और नक्षत्र चित्रा था। चित्रा से हमारे क्षेत्र मास का संबंध है, इस तरह के नामकरण है हमारे। उसी दिन
तो मून से मून अपोजिट में है और सूर्य मेष में है और जो चंद्रमा है वो है आपके तुला में, तभी चित्रा होगा। तो चित्रा से क्षेत्र का संबंध है। इसी तरह जो विशाखा था, विशाख मास जो है विशाख, ये 18 मई को था और 18 मई को ही चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में था, उस मास का उससे पूरा गहरा संबंध है। इसी तरह ज्येष्ठ की बात करें, ज्येष्ठ हमारे मंत्र और 17 जून को था और 17 ही जून को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा था, इन दोनों का गहरा संबंध है। ऐसे ही अषाढ़ जो है, अषाढ़ में आते हैं तो 16 जुलाई को पूर्व अषाढ़ पूरा, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये हमारा गहरा गहरा संबंध है। तो अगर हम ऐसे जान पाए तो हमारा जो ज्योतिष है ये एक आज से 400 साल पहले ज्योतिष ही एस्ट्रोनॉमी को जिंदा रखे हुए था और आज ज्योतिष की कोई व्यापक स्तर पर कदर नहीं होती, साइंस के साइंस को नहीं मानती। तो साइंस कैसे माने, हमको इसके जो साइंटिफिक आयाम है उनको निकालना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, तब हम एक व्यापक बात भी कर पाएंगे और व्यक्तिगत बात भी कर पाएंगे। जब वेद ज्योतिषों को नेत्र बोलते हैं तो वो ज्योतिष को नेत्र बोलते हैं जो सबके काम आ सके, जो सबके काम आएगा तो उसका महत्व ज्यादा हो जाता है, जो अपने काम आएगा वो तो आपका महत्व है ही। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ यहाँ पर कि अच्छा एक बात और, मैं मॉस्को में गया था तो मॉस्को में था मैं काफ़ी दिन, काफ़ी जिस तरह आप यहाँ बैठे हुए हैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं अकेला आदमी था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1600 आदमी थे, तो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। वहाँ एक अंतर देखा मैंने, हमारे जो प्रेस का आदमी आता है तो हमारी खींचा नजर करता है, वो कहता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, वो चौंक रहे थे, अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा पहले हुआ, तो ये क्या क्या गणित है तुम्हारा, हमको और समझाओ। तो वहाँ जिज्ञासा है, यहाँ जिज्ञासा ही मर गई। तो जिज्ञासा अगर नहीं रहेगी और अगर हम उसको नए तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम ज्योतिष से अपना अपनी जीविका तो अर्जित कर सकते हैं लेकिन ज्योतिष को दे नहीं सकते कुछ, तो हमको देना चाहिए, लौटाना चाहिए और बहुत गहरे में करना चाहिए। पूजा जी बहुत वाइब्रेंट लड़की हैं, एक ही मुलाकात में उन्होंने हमको बुला लिया, ऐसा होता नहीं, हमको दो चार मुलाकात के बाद कोई बुलाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपने बड़े ही उसके साथ मनोयोग के साथ ये कार्यक्रम करा और ये सारे जो विद्वान हैं इनको इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम है, आपने ऐसा काम किया। इस मेरा सौभाग्य ये होता है कभी ऐसा करते हैं तो राजीव जी करते हैं तो वहाँ सबसे मुलाकात हो जाती है, तो ये हमारे लिए उत्सव हो जाता है और ये कार्यक्रम बहुत सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।